नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वशीकरण के YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप किसी भी स्त्री को, किसी भी महिला को, चाहे वो आपकी कॉलेज की फ्रेंड हो या आपके ऑफिस की कलीग हो या आपके घर में रहने वाली आपकी पत्नी हो या फिर कोई पड़ोसन हो या आपकी भाभी हो या आपकी बॉस हो, आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके वश में हो जाए कोई और आप अपने मन की बात उनसे पूरी करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा ही तरीका। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें क्या हैं, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियोस का अपडेट टाइम पे मिल जाएगा। दोस्तों, इस विधि को करने के लिए आपको चाहिए होंगे 2 पीपल के पत्ते। जी हाँ, पीपल के पेड़ के नीचे आपको पीपल के पत्ते मिल जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए, साबुत पत्ता आपको लेकर आना है और उसके बाद आपको ये विधि पूरी करनी है। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी 2 लौंग और आपको चाहिए होगा थोड़ा सा सिंदूर। जी हाँ, ये 3 चीजों से आप ये वशीकरण की विधि पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए, पीपल के पत्तों को अपने सामने रखिए और एक पीपल के पत्ते पर लिखना है आपको उस महिला का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। दूसरे पत्ते पर आपको लिखना है अपना नाम, जी हाँ, और उसके बाद आपको उन दोनों पत्तों के ऊपर एक एक लौंग रख देनी है। उसके बाद सिंदूर इसके ऊपर आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, ये जो पीला सिंदूर होता है, जो कि पूजा में इस्तेमाल होता है, जो महिलाएं अपनी मांग भरने के लिए इस्तेमाल करती हैं, आपको वो सिंदूर इस पर लगा देना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको वो पत्ते एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देने हैं, यानी कि पहले उस महिला का पत्ता रखिए जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं और उसके ऊपर आपको अपना पत्ता एज इट इज रख देना है, यानी कि जिस तरफ आपने लौंग रखी है और सिंदूर लगाया है उस पत्ते को ऊपर की तरफ वो दिखना चाहिए। इसके बाद आपको दोनों पत्तों को अच्छी तरीके से मोड़ लेना है। और दोस्तों, आपको बता दें, ये उपाय करते ही वो महिला आपके वश में होगी। जब आप पत्ते को मोड़ रहे होंगे उस समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है और उसके बाद दोस्तों आपको ये पत्ते अच्छे से मोड़ कर रख लेने हैं। ध्यान रखिएगा एक बात का कि जब आप ये विधि कर रहे हो उस समय आपको कोई देखे नहीं और आपको ये पत्ते लेकर जाने हैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे जहां से आपने पत्तों को उठाया था। वहां पर आप एक छोटा सा गड्ढा खोदकर पत्तों को उसमें रखिए और ऊपर से मिट्टी ढक दीजिए। वापस लौट के आ जाइए अपने घर, मात्र कुछ मिनटों के अंदर ही दोस्तों ये उपाय अपना असर दिखाता है और आपने जिसके नाम पर इस विधि को किया होगा वो महिला वो आपके वश में होगी। जी हाँ, तुरंत ही वो आपको कॉल करेगी या फिर आपको मैसेज आएगा या फिर वो खुद ही आपके घर पहुंच जाएगी आपसे मिलने के लिए। ये वशीकरण की विधि इतनी ज्यादा ताकतवर है दोस्तों कि इसका असर तुरंत दिखता है। आप इसे कीजिए और अगर आपका कोई सवाल है, हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई और समस्या है आपकी, तो हमारे नंबर पर कॉल लगाइए। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।